जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आज की तिथि में धन लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ विशेष और लाभकारी उपाय भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार बुद्ध भगवान जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार है, अतः हिंदुओं के लिए भी ये तिथि और ये दिन जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। बुद्ध जयंती वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को स्वर्गारोहण समारोह भी उनकी याद में मनाया जाता है। आज बौद्ध धर्म को मनाने वाले विश्व में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग इस तिथि को, इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी कारण से बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान पर हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों का यह बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है और यहाँ पर बहुत उत्सव का आज स्वरूप रहता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति की। तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महात्म क्या कहता है, इससे जुड़ी हुई क्या प्रथाएं या क्या कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में हैं, आइए ये भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 23वां अवतार माना गया है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। इस दिन बौद्ध मतावलंबी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा बौद्ध विहारों और मठों में एकत्रित होकर के सामूहिक उपासना करते हैं और इसके साथ दान देना आज की तिथि में बहुत विशेष माना जाता है। बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत श्रद्धा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्शों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम सभी को देता है। संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला यह पर्व सभी को शांति का संदेश देता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तथा बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। उसकी शाखाओं पर रंगीन ध्वजाएं बांधी जाती हैं। वृक्ष पर दूध और सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित जल डाला जाता है और उसके पास दीपक स्थापित किए जाते हैं। श्रीलंका में इस पर्व को वैशाख नाम के पर्व के साथ जाना जाता है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसी मान्यता है। बुद्ध पूर्णिमा के समारोह क्या होते हैं और किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्यौहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन समारोह आयोजित होते हैं।
श्रीलंकाई इस दिन वैशाख उत्सव के रूप में इस तिथि को मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सुसज्जित किया जाता है। दुनिया भर के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्मावलंबी जो हैं, वह बोधगया आते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका जो आज की तिथि में पाठ होता है वो बहुत आवश्यक माना जाता है। मंदिरों में और अपने घरों में सुगंधित अगरबत्तियां लगाई जाती हैं, मूर्ति पर जो है फल और फूल अर्पित किए जाते हैं और दीपक जला करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा का महात्म्य इस तिथि में बहुत ज्यादा होता है। उसकी शाखाओं पर हार और रंगीन पताकाएं ध्वजाएं बांधी जाती हैं, सजाई जाती हैं और बोधि वृक्ष की जड़ों में दूध और सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित पानी का अर्घ दिया जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक लगा करके पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और स्थिति में मांसाहार का पूर्ण रूप से परहेज होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो पशु हिंसा के विरोधी रहे हैं। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करके खुले आकाश में उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। गरीबों को भोजन कराना स्थिति में एक बहुत विशेष कृत्य होता है और भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्र इत्यादि देकर के, भेंट इत्यादि देकर के विदा करना चाहिए। दिल्ली संग्रहालय इस दिन भगवान बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर के उसके दर्शन करके प्रार्थना कर सके। और जिस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि को हम जानते हैं, पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय करने के लिए भी एक बहुत विशेष तिथि है, तो आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि दूध से बने हुए कुछ मिष्ठान, कुछ पदार्थ, आप भोग पदार्थ माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। संध्या काल में 5 से 7 के बीच में आपको ये साधना करनी चाहिए और इसको समर्पित करने के बाद आप अगर कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ मिष्ठान एकत्रित करने में आवश्यकता होती है तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप माँ लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। उसमें 2 दल आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और फिर आप श्री सूक्त और भगवान विष्णु के जो भी मंत्र हैं या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और बाद में इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें तो परिवार में जो भी दुख दारिद्र है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के महाउपाय में हमने बुद्ध पूर्णिमा की महत्व को जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।